ज़िंदगी में देखो मैं आपको बताऊं कि एक टाइम ऐसा आ गया था हमारे लिए, जैसे सब तरफ से बिल्कुल बंद हो चुका था। सोते सोते उठ के बैठ जाते थे तो मेरी आँख खुलती थी, मैं देखती थी यहाँ सोफे पर बैठे। इनको सबसे ज़्यादा क्या होती थी कि मेरे को सांस नहीं आ रही। ज़्यादा थोड़ा सा भी वॉक करता या कुछ मैं करता था अनुभूत हो जाती थी मुझे। डॉक्टर्स ने MRI करने के बाद मुझे ये सजेस्ट करा कि भाई आप हार्ट ट्रांसप्लांट करा लीजिए। इतना पॉसिबल तो नहीं था कि क्योंकि इस एज में मुझे हार्ट भी नहीं मिलता और इतना ईजिली मैच भी नहीं होता। तो मुझे कई डॉक्टरों ने ये सजेस्ट करा कि नहीं, ये आपका लगता है कि ये लीकेज के कारण आपको दिक्कत आ रही है। Mr. Bhargav is suffering from a heart disease. His heart valve, which is called as mitral valve, started leaking. These patients would go to bed and in the middle of night they would sit up gasping for breath. The quality of life goes down. CLIP procedure, where we repair the mitral valve, seemed to be the only hope for his problems. It's non-invasive, non-surgical and totally percutaneous. The success of procedure depends on selecting the right team. It is very important that everybody in the team is on the same page. By putting a clip, we treated his mitral regurgitation. Interestingly, the very first day he could lie down flat, and that is what he said to us, and I'm going to quote, that doctor, I'm sleeping for the first time in 6 months like a baby. That's what he said. मुझे ऐसा लगा कि मेरे को सेकंड लाइफ ही मिली है। के बाद से तो मेरे को कोई इशू ही नहीं है नींद में। काफ़ी अच्छा मैं सोता हूँ और थोड़ा सा और ज़्यादा भी सोने लग गया अब। वापस हम प्लान कर रहे हैं बॉम्बे जाने का, और वहाँ से जैसे ही सोमनाथ का प्लान कर रही है, तिरुपति का प्लान कर रही है। कोशिश करूँगा कि भाई इसकी जो इच्छाएं हैं, जैसे मैं रिटायर होऊंगा जनवरी में, उसके बाद मैं इसकी इच्छाएँ भी पूरी करूँ। एकदम नॉर्मल लाइफ पे आ गए, सब कुछ ऑफिस वगैरह ये वो सब ज्वाइन करके जैसे पहले लाइफ थी ऐसे।